हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 4.4। इफ द डिमांड फंक्शन इज डी इज इक्वल टू 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस पी इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड प्राइस पी इज इक्वल टू 2, कमेंट ऑन रिजल्ट। राइट, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या अपने पास, ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इंटू मार्जिनल डिमांड, मतलब डीपी अपॉन डीडी अपॉन डीपी, डीडी अपॉन डीपी, डीडी अपॉन डीपी, ये फॉर्मूला है। तो पी दिया, डी दिया हुआ डिमांड, डिमांड से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो कैसा सोल्यूशन, d इज इक्वल टू 50 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर लिखा, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x नहीं यहां पे क्या होगा, p, प्राइस p, देयरफॉर dd अपॉन dp इज इक्वल टू d बाय dp 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर। राइट, 50 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट नंबर है, 3p का हो जाएगा 3 × 1, माइनस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2p। राइट, दैट में सही फॉर्म में लिखोगे तो माइनस 3 माइनस 2, ये हो गया आपका dd अपॉन dp। फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी, ईटा फाइंड करने का आप लोगों कैसे रहेंगे, माइनस पी अपॉन डी इज गिवन देयर 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर इंटू, ये कितना आ गया, माइनस 3 माइनस 2p अपॉन 1 कर दो। राइट, अब वैल्यू रखो इसका, फर्स्ट इटा इज इक्वल टू, फर्स्ट p का वैल्यू कितना दिया है, इज इक्वल टू 5 माइनस 5 अपॉन कितना आएगा 50 माइनस 3 × 5 माइनस 5 स्क्वायर इंटू माइनस 3 माइनस 2 × 5 अपॉन 1, ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस 3, ब्रैकेट लगा दो, माइनस 10 अपॉन 50 माइनस 15 माइनस 25, ईटा इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू माइनस 30 अपॉन 50 माइनस 40 माइनस 15 माइनस 25 40, तो ईटा इज इक्वल टू 65 माइनस 5 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 65 अपॉन 10, दैट मीन्स ईटा इज इक्वल टू 6.5, कितना आ गया 6.5, ईटा का वैल्यू 6.5 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 1, दैट मींस देयरफॉर ईटा इज ग्रेटर देन 1, इफ द ईटा इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर डिमांड इज रिलेटिवली
लास्ट हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड, सेकंड में पी का वैल्यू कितना रखना है, पी इज इक्वल टू टू, क्या हो जाएगा, इटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी का वैल्यू रखो, डी इज गिवन 50 माइनस 3 पी माइनस पी स्क्वायर इंटू माइनस 3 माइनस 2 पी अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 50 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 1 अपॉन इटा इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 अपॉन 50 माइनस 6 माइनस 4 इटा इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस 7 अपॉन 50 माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10 इटा इज इक्वल टू 14 अपॉन 40 14 अपॉन 40 कितना आएगा, फिर कट करो इसको, 27 जा 22 जा डिवाइड करोगे तो आएगा 0.23 या 60, रिमेनिंग कितना होगा 10, 25 या 0.35 विच इज लेस देन 1 विच इज लेस देन 1 देयरफॉर ईटा इज लेस देन 1 बराबर 0.35 इज लेस देन 1 क्या लिखो यहाँ पे रिजल्ट कमेंट करने का है तो डिमांड देयरफॉर therefore demand is relatively inelastic in elastic ye ho gaya aapka question number 10 right kya diya tha demand diya hua tha humne uska derivative find kar liya fir elasticity of demand nikalna hai दो बार निकालना मतलब एक बार पी का वैल्यू 5 रहेगा तो निकालना है एक बार पी का वैल्यू 2 रहेगा तो निकालना है बाद में जो जो आया रहेगा जो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया रहेगा उस पर आपको रिजल्ट को कमेंट करने दें कमेंट में क्या आएगा इफ ईटा इज ग्रेटर देन 1 कमेंट कर लिखोगे डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक इफ ईटा इज लेस देन 1 डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश।